मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने आज एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा किए गए नर्सिंग मामले पर आरोप का खंडन किया है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है और यह सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। मंत्री ने विशेष रूप से जवाबों में दी गई जानकारी की सटीकता को सुनिश्चित किया और कहा कि उन्होंने सदन में सभी प्रूफ पेश किए हैं। विश्वास सारंग ने स्पष्ट किया कि उनका कार्यालय नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर काउंसिल से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करता है और सभी नियमों का पालन करता है। सारंग ने उस पत्र पर भी टिप्पणी की जिसमें कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया था, कहते हुए कि वह किसी भी ऐसे पत्र को नहीं लिखा गया जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधिकता को लेकर निर्देश शामिल था। मंत्री सारंग ने अपने वक्तव्य में साफ किया कि कांग्रेस के द्वारा की गई गलत तथ्यों और आरोपों की जांच करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस षड्यंत्र के पीछे के लोगों का खुलासा करने का जल्दी से खामियां होगा। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। आम सूचना समस्त नर्सिंग संस्थाएं शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नर्सिंग मान्यताओं के संबंध में ये साइन किसके? सुजू फॉर। ये रजिस्ट्रार कहां थी? आज सुजू को लेकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फॉर करके डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के अधिकारों को एंजॉय कर रहा है। और ये देखिए उम्र में सुनीता सुजू 11/1/2019 ये पूरे 350 कार्य ये कॉलेज और ये दो कॉलेज हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने झूठ बोला। मुझ पर बोल रहे हैं कि मैंने भ्रामक जानकारी विधानसभा में दी। मैंने कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी। मैंने तथ्यों के साथ बात की। मैंने अपना वर्वेटम भी दिया है आपको। मैंने सुनीता सुजू के दस्तखत से कांग्रेस के समय पर जो मान्यताएँ हुई हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। जो भी यूनिवर्सिटी का मामला कागज था वो भी मैं दे रहा हूँ। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। केवल कीचड़ उछालने के लिए मेरे पर कीचड़ के दाग लग जाए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ मैं बहुत जल्द से जल्द इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करूँगा कि इसके पीछे कौन है जो झूठ का सहारा लेकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे झूठा तय कर रहे नारे लग रहे। दो दिन से विधानसभा नहीं चलने दी जा रही जबकि मैंने तथ्यों के साथ बात की। आपने जो प्रश्न उठाए उसका मैंने हर एक का जवाब दिया है। कहा जाता है कि कीचड़ ज़्यादा उछालने की कोशिश करो तो आप भी कीचड़ में गिर जाते हो। फटे हुए गुब्बारे में हवा भर देने से गुब्बारा उड़ता नहीं है। कांग्रेस के मित्रों को चाहिए कि वो जनता की समस्याओं के लिए सदन का उपयोग करें, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सदन का उपयोग नहीं करें। और मैं जल्द से जल्द इसके पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है मैं उस तक पहुंच गया हूं। ये बड़ा षड्यंत्र है। मैं जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश करूंगा। कौन लोग हैं षड्यंत्र के पीछे? कौन अनर्गल बातें कर रहे हैं? कौन कतिपय कागज तैयार कर रहे हैं? मैं जल्द से जल्द इसका खुलासा करूँगा। धन्यवाद।